एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। सबसे पहले आप मेरी हालत देख लें, जो भी मैं करवा रही हूँ। तो ये क्या, मैं तंदूर वाली दुकान पे खड़ा था, रोटियां ले रहा था और वो लग रहा है पैदल ही था। इतना यार सही कड़क आवाज। हाँ भाई, क्या जिसका सेल्फी नहीं ले सके, वो बेचारे रोटी लेने के लिए खड़े थे तंदूर पे और पास लाइट की वजह बेचारे की रोटी लेने के लिए तो दूर था। नॉर्मली मार्केट पे आ चुके हैं, तो अभी हम लोग करवाते हैं बाल, सेट करवाते हैं, मुंह पे कोई क्रीम नहीं लगाते हैं। पर गए थी पे यकीन चल रही है साहब, साहब ये जो बाकी गुड्डे उड़ा रहे हो, ठीक है बता रहे हो, लंबी टील दे वो छिक मार, वो छिक मार लंबी टील दे इस लीर को। अभी मेरे बारे जूता, अभी मेरे साथ एक पार्ट हुआ है, ऐसे बैट डोर को रोल कर रहा है और मेरे पाँव में डोर आई है और मैं बिल्कुल डर गया हूँ। गाइस वहां से वो लोग गुड्डा उड़ा रहे अपना, उनकी डोर पहले इस छत के बिल्कुल ऊपर थी, उनका गुड्डा जो है वो ये वाला गुड्डा उनका ब्लू कलर का, ओ ये वाला गुड्डा उनका है। और साहब साहब इधर खड़े थे बार बार आवाजें लगा रहे, ओ येरा एक तो लपड़न दे, ओ येरा एक तो लपड़न दे। अभी उनकी डोर हमारे छत से वहाँ दूर चली गई। आप देखें हम कैसे गुड्डे पकड़ते हैं यार, उन लगता है हवा चेंज हो गया उसका गुड्डा एक। हाँ ये बहुत मजे के गुड्डे यार उड़ रहे हैं, गुड्डे बहुत मजे के उड़ रहे हैं। और अब गुड्डे पकड़ने हमने साजा गुड्डे पकड़ने के चक्रों में बैस, अभी तो डोर प्लेट रहे हैं। गाइस फाइनली उनका गुड्डा हमें मिल गया, अभी वो छत पे गिर गया है, वहां पर गिर गया, उसको आगे से वो गुड्डा उनका फटा हुआ है। यार क्यों फंस गया है, उन लड़कों का गुड्डा हम लोगों ने ट्रैप कर लिया है और वो गुड्डा वहां पर फंस चुका है। यार अब क्या होगा उबैद, सैफे को बताता हूँ सैफ। अभी गाइज उस लड़के ने हमारा गुड्डा वहां से पकड़ लिया और हम लोग गुड्डा ये भी हाथ खो बैठे गुड्डे से। यार कितने लोग तेज हैं, दूसरों की छतों पे ऐसे टाप कर जाते हैं, पीछे जाने और ये मैं ब्लॉग बंद कर रहा हूँ। गाइज हमारी चल रही है बैस, अभी तक डोर को एक से रोल कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड पे, इधर सैर साफ बैठे हुए साथ साथ देख रहे हैं टीवी पे कोई। अभी गाइज ये जो है ये नीचे मैंने पहनी है बनियान टाइप है, ये तो ये खुडी है जो इसके ऊपर होगी, ये थोड़ी सी गर्मियों की नहीं है सर्दियों की है, बट इतनी भी नहीं है भारी। तो ये होगी ऊपर और नीचे ये होगी जीन्स की ब्लैक कलर की पेंट, और ये तीन चीज़ें सिंपल। तो अभी मैं ट्राई कर चुका हूँ, बहुत अच्छी लग रही थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने शूज़, तो ये हैं जी मेरे शूज़, ये स्पोर्ट्स वाले, ये मैंने ऐसे लिए, बस ये चार चीज़ें लेनी थी तो ये लिए। अब कल हम लोग जाएंगे तैयार होके, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर सैलून में और उधर कुछ मुँह का करवाते हैं। तो गाइस तो इस वक्त हम लोग सैलून वाली मार्केट पे आ चुके हैं, तो अभी हम लोग करवाते हैं बाल, सेट करवाते हैं, मुँह पे कोई क्रीम नहीं लगाते हैं और आईब्रो बनवाते हैं। तो अभी देखेंगे भाई इधर बैठे हुए, तो हम लोग करते हैं अभी क्या हमारे मुँह का आने वाला आ गया आपको दिखाएगा। तो कुछ ऐसी लुक हो चुकी है इसकी, ये कोई क्रीम वगैरह लग रही है रेहान को। ये लग चुकी है, अभी कितना टाइम वेट करना पड़ेगा।
कोई वेटिंग नहीं है क्या? कोई वेट नहीं है इसका, ये लग रही है ये। गाइस आप घर आए और आप सबको भी एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। सबसे पहले आप मेरी हालत देख लें, जो भी मैं करवा रही हूँ। तो ये क्या शामिल खान को जब तुझे मिला है? नहीं ना, बात सुनिया से मैं डरा गया हूँ ना। आगे तंदूर वाली दुकान पे खड़ा था, रोटियां ले रहा था और वो लग रहा है पैदल ही था। इतना यार सही कड़क आवाज। हाँ भाई क्या, जिस तरह से एक्टरों की आवाज होती है। मैंने इनसे पूछा है कि आपका मेरे सगे बार ड्रामा सर देखा है, बहुत अच्छा लगा है, आपका नंबर मिलेगा? अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। हाँ बात सुना खर। नहीं नहीं गेमिंग जोन के बाहर नहीं, ये जो इधर पास बेकरी के पास जो तंदूर वाली दुकान है ये पास। हाँ तो मैंने दूर से देखा ना, मैंने उबैद को बोला है यार उबैद वो देख शामिल खान खड़ा है। उबैद चला गया, उबैद पे कह रहा तो उसके पास चला गया, कहता है हाँ अस्सलाम वालेकुम आप शामिल खान खड़े? कहता है हाँ खड़ा हूँ। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा हेलो सर अस्सलाम वालेकुम, मुझे भी एक्टिंग का शौक है। तो कहता है मुझे कि बेटा आपको भी पढ़ाई की जरूरत है, आप क्यों इन कामों के पीछे पड़े हुए? मैं भी पढ़ाई करके गया था यार, अंधेरे में खड़े थे, इतना अच्छा चेन डाला हुआ था, स्वेटर लगाई हुई थी जॉगिंग के सूट में। मैंने कोई तस्वीर नहीं उसकी बनाई, इंटरनेट से दिखाऊं। हाँ। यार गाइस बहुत मजा है, आज भी मेरा गोल्डन डे चल रहा है, कल ऑडिशन है और आज मैं सेलिब्रिटी से मिला। यार क्या आपको बताऊं मेरे क्या हालात। हेलो गाइस, तो इस वक्त हो चुके हैं रात के 12 होने वाले। तो उधर सैफ साहब पीछे कुछ अलमारी के अंदर ढूंढ रहे। तो इस वक्त ये है कि आपको बताते चले, शामिल खान से हम लोग मिले थे यार, कोई सेल्फी नहीं ले सके, वो बेचारे रोटी लेने के लिए खड़े थे तंदूर पे और पास लाइट की बेचारे की रोटी लेने के लिए तंदूर गया होता। यार जिस तरह में मिले हमें बहुत खुशी हुई है। फाइनली आपको क्या बताएं, इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी की पहले जब हम किसी सेलिब्रिटी से मिले तो बहुत खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि मैं आपको दिल से नहीं बता सकती। कोई पिक्चर नहीं आपको ले सके ना, कोई वीडियो बना सके सबूत के तौर पे, माजरत चाहता हूँ आपसे। तो अभी हमें इजाजत दें, कल आपसे मिलेंगे एक और ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।